प्रति अब्बार जो हुसैनी लश्कर के दमदार थे। करबला के तपते बन में असहाब अंसार हुसैनी की अजीम कुर्बानियों के बाद जब बनी हाशिम की बारी आई तो हजरत अब्बास इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की खिदमत में आए और कहा मौला मुझे मरने की इजाजत दीजिए। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया अब्बास तुम्हें कैसे इजाजत दूं, तुम तो मेरे लश्कर के अलमदार हो। लेकिन जब कासिम ना रहे ओनो मोहम्मद शहीद हो गए तो जनाबे अब्बास दोबारा खिदमत माँ में आए और कहा आका मरने की इजाजत दीजिए। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फिर वही बात कही कि अब्बास तुम्हें कैसे इजाजत दूं, तुम लश्कर के अलमदार हो। अब अब्बास कहते हैं कि आका वो लश्कर ही कहाँ रह गया कि जिसकी मैं अलमदारी करूँ। चुनांच मौला मैदान जंग की इजाजत देने पर मजबूर हो गए मगर इस शर्त के साथ कि अब्बास बच्चे प्यास से जाबलब हैं, बच्चों के लिए पानी का कोई बंदोबस्त करते जाओ। हजरत अब्बास खैमे में आए तो सकीना ने दामन थाम लिया और कहा चचा मैं बहुत प्यासी हूँ। हजरत अब्बास ने कहा बेटी सकीना मशकी जा ले आओ। हजरत अब्बास को सकीना ने मशकी जा दिया। मशके सकीना लेकर सबसे आखिर में हजरत ज़ैनब से रुख्सत होने के लिए आए तो सानिये ज़हरा ने फरमाया भाई चलते चलते एक बात सुनते जाओ। हजरत अब्बास ने सर झुका लिया तो हजरत ज़ैनब फरमाती हैं कि ऐ भाई बचपन में एक बार मैं बाबा के जानू पर बैठी थी कि मेरे दोष से चादर हट गई तो बाबा ने बढ़कर मेरे बाजुओं को चूमा। मैंने कहा बाबा इस अमल का क्या सबब है तो बाबा ने फरमाया बेटी ज़ैनब एक दिन इन बाजुओं में रसन बांधी जाएगी। वक्त मैं बहुत गमगीन थी लेकिन जब मैं बड़ी हुई और भाइयों से घर भर गया तो बचपन के इस वाके का ना जाने कब कब ख्याल आया कि किसमें हिम्मत है कि जिस बहन के 18 भाई हो उसके बाजुओं में रसन भास सके। मगर ऐ अब्बास मेरे तमाम भाइयों में अब तुम्हारे और भैया हुसैन के कोई नहीं बचा और तुम भी जा रहे हो। अब ज़ैनब को यकीन हो गया कि बहुत जल्दी इन बाजुओं में रसन बांधी जाएगी। मशको अलम लेकर सक्काए सकीना फुरात की तरफ रवाना हुआ। उधर सकीना छोटे छोटे बच्चों को लेकर दरे खैमा पर बैठ गई और तसल्लियां देने लगी। सकीना बच्चों से कह रही थी कि अब पानी के लिए परेशान न होना इसलिए कि मेरा शेर सा चचा पानी लेने के लिए गया है, अब हम प्यासे नहीं रहेंगे। दुश्मन फौज का हाल ये था कि हजरत अब्बास को देखकर यजीदी फौज में भगदड़ मच गई। लोग इधर उधर भागने लगे। हजरत अब्बास ने एक ही हमले में 120 दुश्मनों को तहे तेक किया और फुरात में दाखिल हो गए। हजरत अब्बास का भी प्यास से अजीब हाल था।
मगर वफाए अब्बास ये कैसे गवारा करे, नदी की सकीना प्यासी रहे और अब्बास पानी पी ले। चुल्लू में पानी लिया और छोटे छोटे बच्चों की प्यास को याद करके रोने लगे। और चुल्लू में जो पानी लिया था उसे फेंक दिया और सूखी हुई मशके सकीना भर कर फुरात से प्यासे निकल आए। जब पिछले साथ ने देखा कि अब्बास मशकीजा में पानी भर के खैमे की तरफ जाने वाले हैं, तो लश्कर से कहा क्या देखते हो, देखो पानी खयामे हुसैनी तक ना जाने पाए। चारों तरफ से अब्बास को घेर लो, ये सुनकर यजीदी लश्कर हजरत अब्बास पर हमला करने लगा। मगर जनाबे अब्बास दुश्मन की सफों को चीरते फाड़ते खैमे की तरफ चले जा रहे थे, मगर मुसलसल हमलों से खून बहने लगा और इसी आलम में एक जालिम ने आपका दाहिना हाथ तलवार से काट दिया। लम्हे भर के लिए अलम थोड़ा सा झुका, सकीना की नजर अलम पर थी। जब अलम झुका तो सकीना का नन्हा सा दिल धड़कने लगा और कहा खुदा जाने मेरे चचा पर क्या गुजर गई कि अलम नजर नहीं आता। लेकिन जनाबे अब्बास ने फौरन बाएं हाथ में अलम को लिया, सकीना अलम को देखकर फिर खुश हो गई कि मेरा चचा पानी लेकर आ रहा है। मगर अजादारो अब्बास का बाया हाथ भी एक शकी ने कलम कर दिया और जब दोनों हाथ कट गए तो लश्कर हुसैनी का अलम जमीन पर गिर पड़ा। अलम तो गिर गया मगर किसी तरह मशकीजा संभाले रखा और मश्क का तस्मा दांतों में लिया और खैमे की तरफ बढ़े, तेजी से घोड़े को बढ़ाते रहे। मगर हुरमुला ने मशके सकीना पर ऐसा तीर मारा कि पानी बह गया। अब हजरत अब्बास का दिल टूट गया, फिर तीरों की बारिश होने लगी, यहाँ तक कि एक तीर आँख में पैवस्त हो गया। और इसी असना में एक जालिम ने गुर्द सर पर मारा। अब हजरत अब्बास घोड़े पर संभल ना सके, बेअख्तियार जमीन पर गिर पड़े। अजादारो हर गिरने वाला जब बुलंदी से गिरता है तो जमीन पर हाथों को टेक देता है, मगर जिसके दोनों हाथ ही कट गए वो क्या करे। अबुल फजल सर के बल जमीन पर गिरे। इमाम वक्त को आवाज दी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने, जैसे ही अब्बास की आवाज सुनी तड़प कर गिर पड़े और फरमाया अलान इनकसर ज़हरी वकिलता हीलती, हाय मेरी कमर टूट गई। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जानिबे वक्त रवाना हुए तो दो जगह झुककर दोनों हाथ उठाए और बड़ी तेजी से हजरत अब्बास के सराहने आए और जलती हुई जमीन पर बैठ गए और सरे अब्बास उठाकर जानू पर रखा। भाई कहार लाश से लिपटे शहवाला, होठों को मिला होठों पे मुंह प्यार से चूमा, रो रो के कहा आँख तो खोलो मेरे शैदा,
कुछ बातें करो हमसे, कहो दिल की तमन्ना है ये मेरे सामने क्या होता है भाई, तुम मरते हो शबीर तुम्हें रोता है भाई। हुसैन ने कहा पास आके गुफ्तगू करो, कहा मौला की ज़ियारत तो करना चाहता हूँ मगर एक आँख में तीर पैवस्त है, दूसरी आँख में सर का खून जम गया है, मेरे दोनों हाथ कट गए वरना मैं आपको जहमत ना देता, और अपने हाथों से ही तीर निकाल लेता और खून साफ कर देता। हुसैन ने याली कहकर एक आँख से तीर निकाला और दामन से दूसरी आँख का खून साफ किया। हजरत अब्बास ने हसरत भरी निगाहों से भाई को देखा और फरमाया मौला अगर मुझसे नुसरत में कोई कोताही हुई हो तो माफ फरमाइएगा। इमाम ने फरमाया अब्बास ये क्या कहते हो, हाँ कुछ वसीयत हो तो बयान करो। कहा मौला वसीयत ये है कि मेरी लाश खैमे में न ले जाइएगा, इसलिए कि सकीना से पानी का वादा किया था मगर हाय खैमे में पानी ना पहुंचा सका, मैं अपनी भतीजी से शर्मिंदा हूँ। हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया अब्बास मेरी भी एक तमन्ना है कि आज तक तुम मुझे आका और मौला ही कहते रहे, कभी मुझे भाई कहकर नहीं पुकारा, इसलिए एक बार मुझे भाई कहकर पुकार दो। हजरत अब्बास ने कहा मौला मेरी माँ ने मुझसे ये ताकीद की है कि तुम हुसैन को हमेशा आका और मौला समझना और कहना, लेकिन हुक्म इमाम है इसलिए तैयार हूँ, बस भाई कहते ही रूह परवाज़ कर गई। इमाम हुसैन ने अब्बास का लाशा वहीं छोड़ दिया और मशकोलम लेकर खैमे की तरफ चले। जनाबे सकीना ने दूर से मशकोलम देखा तो आवाज दी बच्चों कूजे लेकर आओ, मेरा चचा पानी लेकर आ रहा है। पाली सकीना की आवाज सुनकर प्यासे बच्चे हाथों में कूजे लेकर दरे खैमा पर आ गए। सकीना ने कहा हुसैन ने कहा बेटी सकीना तेरे चचा के दोनों हाथ कट गए, मशकीज़ा छिद गया। सकीना तड़प कर रोने लगी, हाय मेरे चचा हाय मेरे अच्छे चचा, मेरी मोहब्बत में आपके दोनों हाथ कट गए, काश मैं पानी लेने के लिए आपको ना भेजती। मक्तल से रोते पीटते घर में हुसैन आए, बैठी हुई थी बीबियां मातम की सफ बिछा, खून में भरा हुआ अली अकबर अलम जुलाए, एक गुल हुआ कि मर गया अब्बास हाय हाय। सर खोलने को जाए अब्बास हट गई, मुंह पीट कर अलम से सकीना लिपट गई।
जब अलम खैमे के अंदर आया तो कोराम भरपा हो गया। अब्बास के खून से अलम का फरेरा रंगीन था। अहले हरम ने अलम से लिपट कर इस तरह बयान किए कि आसमान पर मलाइका रोने लगे। बीबियां तड़प तड़प कर वापासा के नारे मारती थी। बारे हमारी इस अलीम इबादत को कबूल फरमा, जो हमारी जो बेरोजगार है उसको रोजी रह फरमा, जो मफरूज है उनको कर्ज पैसे रह फरमा, मेरे मालिक पूरी दुनिया भी यकीन है जहाँ जहाँ भी उनकी जान माल इज्जत आप उनके बारे फरमा। परवरदिगार तुझे वास्ता हजरत सैनब का आखिरी कुछ दिमाग फरमा और उनके अलावा।